चलिए बेटा, लेट अस स्टार्ट विद नाउ अगेन द एग्जांपल्स मेरे पास जो है ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ओके, रिवीजन कर रहे हैं हम, रिवीजन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। वी आर डूइंग ऑल एग्जांपल्स, ठीक है, विद ऑल द फॉर्मूलास। हमें नहीं पता कौन सा फॉर्मूला इंप्लीमेंट होना, हमने कैसे देखना है, कैसे इंप्लीमेंट करना है, क्या सोचना है, मैं वो बताऊंगी आज आपको। लेट अस डू। मेरे पास तो है एग्जाम्पल 10th। ओके, पेज बेटा 70। प्रूफ दैट 3 sin π/6 जो है secant π/3 माइनस मेरे पास 4 sin जो है 5π/6 और cot π/4। ओके, दैट इज इक्वल्स टू 1 मेरे पास। क्लियर? तो अब देखिए मेरे पास जो है यहाँ पर क्या आएगा, व्हाट वी विल डू। मुझे प्रूफ करना है 1 के इक्वल। सबसे पहले मुझे π/6 मतलब 30। साइन 30 की वैल्यू पता है क्या होती है, 1/2। ओके, तो पुट गए, मैं लेफ्ट हैंड साइड ही ले रही हूँ, 3 × 1/2। हाँ जी, secant π/3, secant 60, cos 60 को उल्टा कर देना। हाँ जी, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। उसको उल्टा कर दे तो क्या हो जाएगी, 2। आई राइट हियर 2। ओके, माइनस 4 cot π/4। π/4 मुझे पता, 45 cot 45, 1। इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम तो इसकी थी। मैं जब भी आपको कहती हूँ रेडियंस में एंगल दिया, जो डिनोमिनेटर में होता है ना उससे ब्रेक कर लो। ऊपर डिनोमिनेटर में क्या है, 6 है, मैं 6 से ब्रेक करूं तो मेरे पास जो है ऊपर क्या आएगा, इफ यू सी आई विल गेट हेयर sin π/6 π/6। पता चला मैंने क्या किया, 5π को ब्रेक कर दिया 6π/π। कहां से पता चला, डिनोमिनेटर में 6 था, उसका मल्टीपल जो 5 के पास है, 6 × 1 = 6, 5 के पास है, मैंने उसी से किया। अब मैंने इसको π/π/6, ठीक है जी, sin π - θ। sin π - θ क्या होता है मेरे पास, जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट में आए, π - θ 180 - θ सेकंड क्वाड्रेंट में ही आएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है और पाई है तो कोई चेंज नहीं। sin π/6 मतलब sin 30। sin 30 की वैल्यू 1/2, तो इसकी जगह पे 1/2 लगा दे। ये 2 कैंसिल, ये दिस कैंसिल, 3 - 2, आंसर इज 1। और यही राइट हैंड साइड में था। कोई मुश्किल तो नहीं है, ऐसे क्वेश्चन करने कोई मुश्किल नहीं है, क्वाइट इजी टू डू सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ओके, ऑनलाइन स्टूडेंट प्लीज साथ साथ कीजिए, लिखिए। जब तक आप रिटर्न नहीं करोगे ना, नहीं होगा। ओके, मैं अगले सम में भी चले जाती हूँ, आप पिछला खत्म करो, बीच में हम ब्रेक देते हैं, हम बात करते हैं, कोई समझाते हैं, तब तक आपका क्वेश्चन पूरा हो जाता है। लेट अस डू नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 15 15। मेरे पास है एग्जाम्पल 11th। sin 15 मेरे पास, जब भी 15 का कोई पे भी आ जाए, साइन कॉस टेंजेंट कोटेंजेंट किसी का भी आ जाए, हमेशा 45 से ही होना। कोई दो ऐसी वैल्यूज ढूंढनी है ना जिनको माइनस करूं तो 15 आए, और उस पे टी रेशियोज मुझे पता हो। मुझे किस पे पता है, 30 45 60 90 0। मैंने 45 - 30 डिग्री। अब क्या करेंगे, यहां पर साइन a - b का कल फॉर्मूला किया था अपने आप दिमाग में, वेरी गुड। साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी अप्लाई कर दें तो अब मेरे पास जो है क्या हो जाएगा यहां पर, दैट इज इक्वल टू, ये फॉर्मूले को ब्रैकेट में कीजिए, अप्लाई साइन 45
साइन 30 माइनस कॉस 45, और ओ, ओ, मैंने कुछ गड़बड़ी कर दी, कॉस साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ठीक है जी। अब मेरे पास वैल्यू सबकी पता है आपको, है ना, साइन 45 वन बाय रूट टू, कॉस 30 जो गए मेरे पास, कॉस 30 दट इज रूट 3 बाय 2 माइनस 1 बाय रूट 2 साइन 30 1 बाय 2, टेक एलसीएम रूट 3 माइनस 1 2 रूट 2 रूट 2 रूट 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड। ओके जी, बात समझ आ गई, क्लियर टू एवरीवन, कोई डाउट तो नहीं, ठीक है जी। चलो बेटा आगे चलिए, लेट अस डू दैट। अब अपने आप देखो, आपको विजुलाइज होगा मैंने कौन सा फॉर्मूला लगाना है। हाँ, कई क्वेश्चन में नहीं पता चलता है, वो बाय प्रैक्टिस आपको वो भी समझ आता है, ठीक है। नेक्स्ट बेटा, मेरे पास जो है टैन 13 पाई बाय 12, एग्जांपल है नेक्स्ट 12 सॉरी। ओके, क्या करूं फिर यहां पर, हाँ पाई प्लस पाई बाय टू, बिल्कुल 12 का मल्टीपल 12 इंटू 12 ही होता है, अगर मैं ब्रेक करूं तो ऊपर आएगा 12 पाई प्लस पाई, तो 12 से 12 कट जाएगा, तो ऑब्वियस है मेरे पास 10 पाई प्लस पाई बाय, बच्चे ऐसे शॉर्टकट कर लेते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं, पाई प्लस पाई बाय 12। अब 10 पाई प्लस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में 10 गया होता है पॉजिटिव, होता है कि नहीं, और पाई है तो कोई चेंज नहीं, टेन का टेन ही रहना है, तो मेरे पास टेन पाई बाय 12, बात समझे। अब ये पाई बाय 12 कितना एंगल होता है पता है, जरा करो पाई बाय 12 कटिंग करना, जरा पाई को 180 पुट करो, करो जल्दी जल्दी 15, फिर 15 को कैसे करो, हो जाएगा कि नहीं, कोई मुश्किल तो नहीं ना आगे, ठीक है बेटा क्लियर। अब नेक्स्ट मेरे पास देखे, हाँ जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स कर लोगे ना, कैन यू राइट इट लाइक दिस, पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 6 और आगे 10 45 माइनस 3, ओके। चलिए मैं अगला बताती हूँ, एग्जांपल 13, हाउ टू डू एग्जांपल 13, देखे प्रूफ दैट साइन एक्स प्लस वाई ओवर साइन एक्स माइनस वाई दैट इज इक्वल टू टेन एक्स प्लस टेन वाई ओवर टेन एक्स माइनस टेन वाई। अब आप जिस मर्जी साइड से चले जाओ आपका आंसर आ जाएगा, हर साइड से आ सकता है, लेफ्ट साइड से राइट साइड, राइट साइड से लेफ्ट साइड। मैं तो हमेशा पता क्या करती हूँ, मेरे को जो अच्छा लगता है, साइन कॉस अगर है तो ठीक है, कोई और चीज है ना तो उसको कन्वर्ट करो, तो मैं क्या करूं, मैं टैन वाली को करूंगी, ओके मैं टैन वाली को कन्वर्ट कर सकती हूँ, तो लेट अस डू। टैन को किस में कन्वर्ट करते हैं, साइन बाय कॉस, टेंथ में करते थे ना हम लोग, तो सेम हम ये कॉन्सेप्ट करेंगे, तो मैंने राइट हैंड साइन लिया, तो टेन एक्स प्लस टेन वाई ओवर टेन एक्स माइनस टेन वाई, ओके जी। मेरे पास ए बाय बी, सॉरी साइन ए बाय कॉस, ठीक है ना, एक्स है तो एक्स लेंगे, ऐसे ही साइन वाई ओवर कॉस वाई ओवर साइन एक्स बाय कॉस एक्स माइनस साइन वाई बाय कॉस वाई, ओके जी। अब एलसीएम ले ऊपर, जब एलसीएम लिया कॉस एक्स कॉस वाई, मेरे पास साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई ओवर मेरे पास साइन एक्स कॉस वाई माइनस साइन वाई कॉस एक्स ओवर कॉस एक्स कॉस वाई कैंसल, ओके। अब ये चीज आ गई, अब क्लियर कट है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी किसके इक्वल है, साइन ए प्लस बी, फिर इधर देखो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी,
तो मेरे पास आंसर क्या बन गया, साइन एक्स प्लस वाई ओवर साइन एक्स माइनस वाई। पता चला ध्रुव? हाँ जी यार ध्रुव, पक्का चले आगे क्वेश्चन में? चलिए लेट अस डू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल 14। ओके हाँ जी, ऑनलाइन स्टूडेंट मन्नत, गुरसीरत, श्रेया, अमृतपाल, इज इट क्लियर टू एवरीवन? गुड, चलिए बेटा लेट अस डू द नेक्स्ट। अब ऐसे क्वेश्चंस को ना मैं देखते ही पहचान जाती हूँ कि इसको कैसे करना, क्यों मैंने ये माइंड में रखा हुआ है। अगर तीन एंगल्स हैं, टेन 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 में मल्टीप्लाई में है या प्लस 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 में है, कॉट कॉट मल्टीप्लाई या प्लस माइनस में है, तो मुझे मैं ऐसा एंगल एक बीच में से देखती हूँ जो ब्रेक होके अदर टू एंगल्स में कन्वर्ट होता। ठीक है, कैसे? लेट अस सी। मैंने शो करना है tan 3x tan 2x tan x, that is equals to tan 3x minus tan 2x minus tan x, ये है। ठीक है जी, अब देखिए मेरे पास 3x को मैं ब्रेक कर सकती हूँ, कैसे? 2x plus x, मतलब आ रहा है ना, ऐसे ही अगर मेरे पास होता 12x 5x 7x, ऐसे ही मेरे पास होता 5x 3x 2x, रिलेशन है ना। और जो एंगल इधर मल्टीप्लाई में वो इधर प्लस माइनस में, टैन वाला या कॉट वाला, उसके स्टार्टिंग ही मैं हमेशा ऐसे करती हूँ। करने को आप साइन कॉस में चेंज करो, उससे भी क्वेश्चन हो जाएगा, बट बहुत लंबा हो जाता है, हमें हमेशा इजी ट्रिक याद रखना है। तो इसीलिए मेरे माइंड में सेट है, ये रूल सेट हुआ हुआ है। तो मैंने क्या यहाँ पर सोचा हुआ है, आई स्टार्ट विद द लार्जेस्ट एंगल, 3x सबसे बड़ा, मैं इसको ब्रेक कर देती हूँ 2x plus x, tan a plus b किसके इक्वल है, tan a plus tan b over 1 minus tan a tan b, और इधर क्या है tan 3x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बेटा, यू विल गेट द बोथ द साइड्स, ऐसे मतलब यहां हमने कोई लेफ्ट साइड नहीं ली, राइट साइड नहीं ली, हमने एक रूल लिया और दोनों साइड्स को एंड में क्या कर देंगे, प्रूफ कर देंगे। समझ आ गई बेटा? क्लियर? हाँ जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर? चेक करो हो गया सबका, जल्दी जल्दी डन। यस काव्या बेटा। हाँ जी काव्या मैम, ये एक बार दोबारा समझा दो। श्योर बेटा, मैंने ये कहा कि जब भी मेरे पास बेटा, जब भी कोई ऐसी वैल्यू आए, जैसे कोई ऐसी वैल्यू है 3x दैट कैन बी ब्रेक विद 2x एंड x, तो हमेशा उसका अगर cot होता, सारी जगह cot होता, तो मैं स्टार्ट करती cot 3x से, tan है तो मैंने स्टार्ट किया tan 3x से, अब मैंने 3x की जगह पे आई राइट हियर 2x plus x। ओके जी क्लियर? अब tan a plus b को मैं लिख सकती हूँ tan a plus tan b over 1 minus tan a tan b। ओके अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, मतलब ऊपर ले जाए, तो जब आप ऊपर लेके जाओगे, सारा ओपन करोगे, रीअरेंजिंग करोगे, तो दोनों साइड्स अपने आप बन जाए। ठीक है जी क्लियर? कोई डाउट तो नहीं यहाँ पर बेटा? बेटा किसी को एनी डाउट टू एनी वन? चलो बेटा आगे, चलिए बेटा लेट अस डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आप लोग बताओगे कि कैसे करना है, मैंने अब थोड़े से आपको सम्स के ट्रिक्स बताए, यू टेल मी हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। एग्जाम्पल 15, चलिए क्या सोचते हो, क्या करते हो बताइए, क्या माइंड में आता है इस क्वेश्चन को? आप बिल्कुल कर सकते हो, यहां कॉज ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा दो, यहां कॉज ए माइनस बी का, एक मेथड तो ये है, एक मेथड और भी है, इस पूरे को सी मान लो, मतलब इसको डी मान लो,
कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला लगा। अब देखो दोनों मेथड से हो सकता है ना, आप जिस मर्जी मेथड से कर लो, दोनों से हो रहा है, करो डू इट। फॉर्मूला नहीं आता तो मुझे बताइए, आई विल टेल यू। चलिए जल्दी बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट्स करके मुझे दिखाइए, वीडियो ऑन करके शो मी द कॉपी, आई विल पिन योर कॉपी एंड चेक इट। जल्दी जल्दी बेटा, बी फास्ट बेटा। हाँ जी रिद्धि, चलो अर्शदीप हैज शोन मी द कॉपी, लेट अस सी। चलिए पिन द कॉपी एंड सी। ओके अर्शदीप हैज यूज कॉस सी प्लस कॉस डी, दैट्स गुड। कॉस सी प्लस डी बाय टू एंड कॉस सी माइनस डी बाय टू, दैट्स नाइस। That is 2 pi by 4 by 2 cancel and you get 1 by root 2 or 1 by root 2, 2 cos x. That's correct 100%. Ashadeep, ye questions pehle kiye hue hain, jo agle question bhi mujhe visible ho raha hai. Ashadeep, purani copy dikha rahe ho beta mujhe? नीचे दूसरा क्वेश्चन भी विजिबल हो रहा है मुझे। अर्शदीप अनम्यूट योरसेल्फ, रोल नंबर 7। आई एम सेइंग कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपने कर लिया है एडवांस में। आपका माइक म्यूट हो गया है। ओके बेटा, हाँ जी क्लियर टू एवरीवन। नाउ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, लेट अस डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हो गया बेटा आप दोनों का? हाँ जी हरनूर, हुआ के नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? चलो चलिए let us do the next question. Okay, good Divyanshi, Riddhi, very good. Chaliye, let us do next example. Example number, mere paas 16th, prove that cos 7x plus cos 5x over sin 7x minus sin 5x, that is equal to cot x. Clear cut pata chalta hai. बिल्कुल cos c plus cos d sin c minus sin d, ओके जी क्लियर। जल्दी करो फटाफट, डू इट जल्दी जल्दी। मुझे कौन फॉर्मूला बताएगा? समृद्धि टेल मी द फॉर्मूला फॉर cos c plus cos d। 2 cos c plus d by 2 cos c minus d by 2। वेरी गुड वेरी गुड। नीचे काव्या रेज योर हैंड, जल्दी जल्दी काव्या रेज योर हैंड। हाँ जी बताइए साइन सी माइनस साइन डी का क्या फॉर्मूला लगेगा बेटा? मैम 2 कॉस सी प्लस डी बाय 2 साइन सी माइनस डी बाय 2। वेरी गुड वेरी गुड बेटा, ठीक है और अप्लाई कीजिए, देखिए आंसर आ गया। अनु हुआ के नहीं पूरा? जल्दी जल्दी सारे बच्चे करके मुझे कॉपी दिखाइए बेटा, बी फास्ट जल्दी कॉपी दिखाइए। सो मेनी पार्टिसिपेंट्स आर देयर, 22 पार्टिसिपेंट्स आर देयर, तो 22 की 22 कॉपीज मुझे विजिबल होनी चाहिए। वीरति, यशिका बेटा, हिमांशु धीर, उदयवीर, प्रमोद, समृद्धि, जल्दी जल्दी, सिर्फ 2 स्टूडेंट्स ने कॉन्ट्रैक्ट नहीं लिया है, बाकी बच्चे भी हैं कॉपी दिखाने के लिए मुझे। लेट अस सी, ओके 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 समृद्धि सीन। चलिए
यस रिद्धि बिल्कुल करेक्ट है, दैट्स गुड। जतिन जतिन शो मी योर कॉपी, जतिन शो मी योर कॉपी, जल्दी जल्दी वीडियो ऑन करके शो कीजिए। हो गया डन अनूर, चलो दैट्स गुड, डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो काव्या की कॉपी देखते हैं। यस 100% करेक्ट, ओके। चलिए दिव्यांशी शो मी योर कॉपी। हां जी दिव्यांशी, ओके जतिन कॉपी दिखाइए। वेट 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 जतिन, ओके दिव्यांशी। चलिए जतिन वेट वेट वेट, अब दिखाइए। कैसी पिक्चर आती है वो हवा में ही, वो आपने वो लगाया होगा ना जिसके कारण वो कॉपी विजिबल नहीं है। चलिए ठीक है कोई बात नहीं, आपने किया काम, दैट्स गुड। पीछे से लगा देते हो बैकग्राउंड दूसरी और फिर इसीलिए वो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है सबने बिल्कुल करेक्ट किया था, बहुत इजी क्वेश्चन था। चलो लेट अस डू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जांपल 17। चलिए जल्दी करके दिखाइए मुझे सारे बच्चे। साइन 5x माइनस 2 साइन 3x प्लस साइन x ओवर, मेरे पास हो गए cos 5x माइनस cos x, प्रूफ करना है tan x के इक्वल। कैसे करेंगे, क्या माइंड में आता है देखो, बुक ना देखा करो पहले, डोंट सी द सॉल्यूशन, यूज योर ब्रेन, कैसे होगा मैनेज। चलो रिद्धि वांट्स टू टेल मी, यस रिद्धि, यस बेटा बताइए रिद्धि कैसे दिमाग में आता है क्या करेंगे। मैम हम साइन 5x प्लस साइन x में वो आइडेंटिटी लगा देंगे कि 2 साइन 5 प्लस वो वाली 2 साइन cos वाली, और नीचे cos के खोलेंगे। नीचे क्या लगाएंगे बेटा, cos की आइडेंटिटी, cos माइनस 2 साइन साइन वाली। बिल्कुल जो गए, एक मैं बात बताऊं, आई एम नॉट पॉइंटिंग एनीवन, बट मैं एक बात बताती हूँ, जहां तुम फॉर्मूला पूरा बोलने में डर रहे हो, थोड़ा हेजिटेट कर रहे हो, मींस इतना पता है ये फॉर्मूला लगेगा बट बोल नहीं पा रहे हो, सी प्लस डी बाय टू मैम, सी माइनस डी बाय टू, मतलब पेपर में अभी डाउट है, मीन्स आपके क्वेश्चन करने में अभी थोड़ी हेजिटेशन है, तो वही हमने दूर करना है। बात समझे बेटा, समृद्धि और रिद्धि में से जिसने भी बोला था, रिद्धि ने बोला था, मींस कहीं ना कहीं अभी हमारी प्रैक्टिस में कमी है। मैं बार बार बच्चों को यही समझाती हूँ, जब आप मैथ्स बोलना सीख पाते हो ना, कई बार बोलते बोलते हम गलत बोल जाते हैं, है ना, हम अपने फ्लो में होते हैं, लेकिन मैथ्स में जब आप बोल रहे हो, फ्लो में बोल रहे हो, फ्लो में फॉर्मूला आना चाहिए, फ्लो में बोल रहे हो मतलब तुम्हें ये चैप्टर आ गया, जहां तुम अटक रहे हो मीन्स कहीं ना कहीं कुछ 10% डाउट है तुम्हारे सम निकलने, तो वही हमें फॉर्मूला रट के, फॉर्मूला लर्न करके उसको खत्म कर। मैथ्स पहले बोलना सीखो फिर करना सीखो, बोलना यहां से आएगा, माइंड में फॉर्मूला सही होगा तो तुम सही बोल रहे, ओके दैट्स गुड। चलिए तो लेट अस सी, साइन सी प्लस साइन डी, मेरे पास हो गए 2 साइन सी प्लस डी बाय 2, एस प्लस एस 2 एस सी होता है, कॉस सी माइनस डी बाय 2, ये सारा एंगल में होता है ऐसे, ओके ठीक है, ओवर कॉस माइनस कॉस है, साइन साइन आता है, इतना मैंने माइंड में बताया, 2 साइन सी प्लस डी बाय 2 मतलब मेरे पास 5x प्लस x बाय 2, साइन अगर माइनस बाहर लगाना है तो c माइनस d लगाओ, माइनस अंदर लगाना है तो d माइनस 2, ये लीजिए कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। रह गया ये, इसको साथ लिखिए बेटा, ओके नाउ मुझे पता है ये कट जाना है, 2 2 कट जाना है, कटने दो ठीक है। अब मेरे पास क्या बचा है यहां पर, क्लियर कट, ये मैंने 2 गलती से काट दिया,
कॉमन लेके काटती, ठीक है ना, ये भी मैं कॉमन लेके ऐसे नहीं काटूंगी, क्योंकि आपके पास ये भी पड़ा, ये कटिंग हो जाएगी, ठीक है। काटने का मतलब है ये भी कॉमन लेके मैंने कटिंग करनी है, ऐसे मत काटना, आपको गलती लग जाएगी। ओके, तो लेट अस राइट द नेक्स्ट स्टेप, मैं इस साइड पे लिख रही हूँ ताकि आपको कॉमन लेके कटिंग करके दिखाऊं। तो साइन ये 3x, कॉस मेरे पास 2x माइनस 2 और साइन 3x ओवर माइनस साइन 3x और साइन कितना बचा 2x, टेक कॉमन मेरे पास 2 साइन 3x कॉमन, तो मेरे पास यहां पर जो है 2 था यहां पर भी, और मेरे पास cos 2x माइनस 1 ओवर माइनस 2 साइन 3x और साइन 2x। अब काट, हमें तो वो आदत पता होती है ना कि हमने वो कॉमन लेके उधर से भी काट देना, स्टेप हम इलिमिनेट कर देते, बट आप प्लीज ऐसे ही करना। अब फिर आपको पता है 1 माइनस cos 2x ये नेगेटिव वाला इधर एडजस्ट कर देते। अब 1 माइनस 2 cos x क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर हाफ ऑफ द एंगल किया हुआ ना, तो दैट मींस इसकी जगह पे क्या लिख दे, 2 साइन स्क्वायर हाफ ऑफ द एंगल ओवर नीचे क्या है, साइन 2x, 2 साइन x cos x कैंसिल कैंसिल, क्या बचा साइन x बाय cos x। ओ मैंने कोई गड़बड़ी कर दी, देखना जरा हमारा आंसर क्या चाहिए था, cot x के tan x, सॉरी मैंने ऊपर वाला आंसर देख लिया, ये वाला स्टेटमेंट था यस, 10x इज माय आंसर, ठीक है जी, क्लियर बेटा, कोई डाउट तो नहीं किसी को भी, 100% चले। चलो जी स्टार्ट डूइंग एक्सरसाइज नाउ, फटाफट सारे बच्चे 1 to 5 क्वेश्चन स्पीड से करेंगे, जल्दी जल्दी बिना कोई हेजिटेशन, और आस्क मी द प्रॉब्लम, जल्दी करो, ये मत सोचा करो मैम कहाँ देख रहे हैं, नहीं भी करेंगे तो चलेगा, आपका बेनिफिट है बेटा, करना मेरा कुछ नहीं जाएगा, आपका बहुत कुछ चल जाएगा अगर आप पढ़ोगे नहीं तो। हरी अप, डू इट एंड शो मी, जल्दी जल्दी।